जी तो भाई फिर से आपको स्वागत है मेरी इसे एक और नई वीडियो में और आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई पिछले व्लॉग में हमने देखा होगा, मैंने आपको इस माइक के बारे में बताया था जो हमने अपने फोन का नया माइक लिया था और आवाज़ वगैरह तो सही आती है इसकी। बस आगे से उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि माइक को थोड़ा दूर रखना अपने से और स्लो बोलना जब भी माइक लगा के बोलना होता है। तो पिछले व्लॉग में थोड़ी गलती हो गई, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही आ गई है ना, तो फिर चलो एक बार गलती करके समझते हैं तो फिर अब मैं समझ गया कि कैसे यूज़ करना है इसे। तो पिछले व्लॉग में आपको कहा था ना कि मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ऑडियो और वीडियो को सिंक कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे ऑडियो अलग रिकॉर्ड करी थी मैंने और वीडियो अलग, तो फिर उसको मतलब ज्वाइन कैसे करते हैं, साथ में सिंक कैसे करते हैं, तो वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का ये कोई व्लॉग नहीं है, एक मतलब बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे करते हैं, क्योंकि भाई आप में से भी किसी ना किसी को तो जरूरत पड़ेगी ऐसे जब ऑडियो अलग रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो अलग, तो फिर वही थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं कि क्या क्या होता है, बेसिक क्या करना होता है इसमें। तो यहाँ पे हमने अपना लैपटॉप खोल लिया और इसमें एडोबे भी खोल लिया, तो वही जो कल भाई इसको दौरे पड़ गए, क्या हो गया ये ले ओ भाई। तो हमने यहाँ पे अपना एडोबे खोल लिया है और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, जो कल मैंने मैच किया था वही सेम क्लिप और ऑडियो में मैच करूंगा, ठीक है इसमें। तो भाई मैंने ना भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्राई किया था और फिर मैंने ना भी आवाज़ सुनी, तो फिर लैपटॉप में जो मैं बता रहा था ना वो रिकॉर्ड तो होगा लेकिन लैपटॉप की आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं, अच्छे से फट रही थी बीच में आवाज़। तो फिर मैंने जब जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सब बताया था ना वो तो यार किसी काम का रहा नहीं, अब तो मैंने वो सब कैंसिल कर दिया। तो चलो फिर ऐसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो भाई देखो ये फोल्डर में हमारी ऑडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी अलग से, ठीक है, और इस फोल्डर में है हमारी क्लिप। तो हम एक काम करते हैं यहीं से एक क्लिप उठा लेते हैं DJI की, यहाँ पे हम करते हैं इसे इम्पोर्ट और एक हम यहाँ पे उसी क्लिप की जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी अलग से, ये वाली ऑडियो उसकी सबसे पहले, तो इस ऑडियो को भी डालते थे इसमें, अभी इम्पोर्ट होगी। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पहले तो उठा के इसको हम अपने टाइमलाइन पे ले आते हैं, फिर ये हमारी जो ऑडियो थी अलग से, ये ऑडियो जो हमने अलग से रिकॉर्ड करी थी माइक में। तो भाई अब जैसे देखो ये रही हमारी वीडियो और ये नीचे ऑडियो, तो अभी ना ये मैच नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब ऑडियो ये वाली जो ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करी मैंने, ये अलग चलेगी वो अलग चलेगी। तो अगर देखो अगर आपके पास ये अलग सॉफ्टवेयर है Adobe या कोई ऐसा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें तो आसान रहता है, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करो इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो राइट साइड, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनाइज का, इसे दबा दो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो ओके। तो बस ये थोड़ा टाइम लेते, अगर ज्यादा क्लिप होना तो ये काफी टाइम लेता है प्रोसेस होने में, तो इसके वजह से मैं ना ये वाली चीज ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं फटाफट मतलब की कट करके वहाँ मैच कर देता हूँ। तो लेकिन अगर Adobe सॉफ्टवेयर है आपके पास तो उसमें ये वाला ऑप्शन दिया है इन्होंने, तो बस ये कर दो एक बार और फिर जो ऑडियो एरर है वो अपने आप अपनी जगह पे चल जाएगी जहाँ पे आवाज मैच हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा लोगों के पास ये वाला सॉफ्टवेयर होगा नहीं, तो फिर अब जिन लोगों के पास नॉर्मल लैपटॉप रहता है वो कैसे ऑडियो मैच करे ऐसे, तो एक बार वो भी बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा तो देखो ये हो भी गया, पहले ये वाली ऑडियो यहाँ पे थी ना, अब उसने सिंक्रोनाइज कर दी, और देखो ये हमारी वो वाली ऑडियो है जो अलग से रिकॉर्ड करी थी हमने और ये वाली एक्शन कैमरा की। तो अगर Adobe सॉफ्टवेयर है तो इसमें तो हो जाता है आसानी से, लेकिन पहले मेरे को भी नहीं पता था इसके बारे में कि हम इसको ऐसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी नया नया ही मतलब इसमें एडिटिंग करना सीख रहा था मैं Adobe में, इससे पहले तो भाई मैं ये मोवावी यूज करता था और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं था, ये तो मैं खुद भाई Adobe में नया नया ही सीख रहा हूं एडिटिंग, और वैसे मैं भी कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूं कि मेरे को हर चीज पता है, मैं भी अभी ये सीख रहा हूं सब कुछ। तो अभी मैंने Adobe में स्विच करा है और ये सारी चीजें मैं स्लो स्लो करके चलो सीख लूंगा। अब आते भाई जिनके पास नॉर्मल लैपटॉप होता है, ठीक है, और या जिनके पास ये Adobe प्रीमियर प्रो नहीं होता, तो वो कैसे अपनी ऑडियो को मैच करें। तो देखो अब क्या करना है, अब मैंने देखो यहाँ पे अपनी एक जगह कहा था कि ना पहले मैं हॉर्न बजा के ऑडियो को मैच कर लेता हूँ, देखो सुनो एक बार ताकि एडिटिंग में आसानी हो मेरे को। तो ये मैंने तीन बार हॉर्न क्यों बजाया था ना आपको एक बार इसका रीजन बताता हूँ। तो ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि ये ऑडियो तो अलग से रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है, और वीडियो अलग से। तो अब इसको मैच करने के लिए मैंने ना तीन बार हॉर्न बजाया। अब देखो जैसे इसमें भी ये रिकॉर्ड हुआ जो ये तीन चीज दिख रही वाली तीन 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 और हमने जो अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करी ये नीचे जो दिख रही है, तो इसमें भी वो सेम चीज आई है, जैसे यहाँ पे ये तीन चीजें दिख रही है आपको, तो ये हॉर्न की आवाज होगी, देखना। तो अब इसको और ये जो वीडियो में वेव्स आई है ना ऐसे, अब इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो कि अपना हम एक कट मारेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये तीन हॉर्न बजे हैं और जहाँ पे ये तीन हॉर्न की आवाज आई है, तो यहाँ पे अभी हम एक कट मारेंगे इधर, ये हमारे तीन हॉर्न की आवाज और इसके बीच में एकदम सेंटर में अभी ये ऑडियो अलग होगी और वीडियो में हमारा ये रहा, ठीक है, तीन, तो इधर भी एक सेम हम कट मारेंगे उसी तरह से, तो ये भी अब अलग अलग हो गया। तो अब देखो अब हमने ये दोनों अलग अलग कर दिए, तो वो हॉर्न मैंने इसलिए मारा था कि ताकि मैं इस ऑडियो को यहाँ पे मैच कर पाऊं
करता हूँ। अब मैंने इसको इस जगह पे लगा दिया और अब देखो अब वेव फिर से मैच होगी। इस साइड देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मेरे को अब जो कैमरे से आवाज रिकॉर्ड होगी ठीक है वो तो चाहिए नहीं मेरे को, तो अब मैं क्या करूंगा जो कैमरा से रिकॉर्ड होगी ना आवाज उसकी वॉल्यूम में बंद कर दूंगा। जैसे ये हो गया ना इसको मैं एकदम ऐसे बंद कर दूंगा, ये बंद ही थी पहले भी। अब देखो मैच हो गया पूरा, ठीक है यहाँ मैंने बाइक स्टार्ट करी ये आवाज आई। अब बीच बीच में मैं आपको एक्शन कैमरा की आवाज सुना करूंगा और जो माइक से आवाज रिकॉर्ड हो। तो अब ये आवाज जो है पूरी मैच हो चुकी है जो हमने अलग से रिकॉर्ड करी थी। और मेरे को वैसे पहले टाइम लगता था ये सब करने में क्योंकि मेरे को इस एडोबे के बारे में मतलब ना इतना कुछ पता नहीं था कि क्या क्या होता है, मैं भी सीख ही रहा था इसे। तो इस तरह से जो है हम अपनी अलग से जो आवाज रिकॉर्ड करते हैं उसको अपनी वीडियो के साथ मैच कर सकते हैं। तो भाई अभी हम आ गए थे डेजी को घुमाने। तो आज का ये ब्लॉग काफी सिंपल बना मेरे को पता है क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि चलो अगले ब्लॉग में मैं इसी के बारे में बता दूंगा। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको मेरी अच्छी किसी बड़ी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।